गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यू वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्यू की क्यू वैल्यू इक्वेशन जो हमने डिटरमाइन की थी वो। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ क्यू वैल्यू इक्वेशन। अगर इस क्यू वैल्यू इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमें देखने में ये चीज़ पता चलती है कि ये क्यू वैल्यू रूट ई वाई की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें ये चीज़ अच्छे से पता है तो हम रूट ई वाई के लिए एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस क्यू वैल्यू के लिए हम रूट ई वाई के टर्म में एक जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं और वही सोल्यूशन हमारा क्यू वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इस चीज़ के कंसिडरेशन से हमारे लिए इस क्यू वैल्यू के सोल्यूशन को निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अब इसी कारण से हम एक्चुअल में इसका रूट ई वाई के फॉर्म में एक जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। वो जनरल सोल्यूशन जो निकाल के रखा गया है वो है ये रूट ई वाई इक्वल टू वी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा, वेयर वी इज दिस एंड ओमेगा इज दिस। ये रूट ई वाई की टर्म में क्यू वैल्यू का जनरल सोल्यूशन है जो कि हमने इस फॉर्म में लिखा है वेयर वी इज दिस एंड ओमेगा इज दिस। सॉल्व करने पर हमें ये चीज मिलती है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली है कि रूट ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर रूट ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब हम कहेंगे कि रिएक्शन में किसी पार्टिकल का इमिशन होना पॉसिबल है। अगर रूट ई वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है दैट मीन्स हम कहेंगे कि रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल इमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट ई वाई रूट को भी अगर हम छोड़ते हैं तो ये ई वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ई वाई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल। इमिटेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये खुद ही नेगेटिव होगी तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई इमिटेड पार्टिकल होगा या पार्टिकल कोई भी इमिट होगा। इस प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती अगर ई वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है तो। अगर ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम कहेंगे कि रिएक्शन में किसी ना किसी प्रकार का कोई कण या कोई पार्टिकल इमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। तो ये चीज हमें देखनी है। तो इसके लिए नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन रूट ई वाई इज रियल एंड पॉजिटिव द रिएक्शन इज एनर्जिकली पॉसिबल, द इमिशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स एनर्जिकली इम्पॉसिबल व्हेन क्यू वैल्यू इज नेगेटिव। अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो इमिशन जो है वो एनर्जिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसका रीजन क्या है हम देख सकते हैं कि एम वाई माइनस एम एक्स अगर ये चीज हमारी नेगेटिव हो जाती है या क्यू हमारा नेगेटिव हो जाता है तो इन दोनों कारणों से हमारा ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा। ओमेगा नेगेटिव हो जाने के कारण हमारा रूट ई वाई भी नेगेटिव हो सकता है और इसके नेगेटिव होने के कारण हम डेफिनेटली कहेंगे कि रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टिकल इमिट नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हमने ये सोल्यूशन देखा तो सोल्यूशन देख करके हमने क्या कहा कि ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और रियल होगी। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ही कोई ना कोई पार्टिकल रिएक्शन में इमिट होगा जब ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब। बट अगर ई वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव होने के कारण रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टिकल इमिट नहीं होगा। तो पॉजिटिव है तब तो कंडीशन कुछ है ही नहीं हमारे लिए, रिएक्शन डेफिनेटली पॉसिबल होगी ही होगी अगर रूट ई वाई पॉजिटिव है तो। बट नेगेटिव होने पर थोड़ा हमारे लिए ये बात रह जाएगी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो रिएक्शन के पॉसिबल ना होने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, इस ई वाई का नेगेटिव होना। और ये रूट ई वाई कब नेगेटिव हो सकता है, जब ये एम वाई माइनस एम एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो या ये कॉस थीटा यानी कि जो ऑब्जर्वेशन एंगल जो हो अगर वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये कॉस की टर्म में हम बात कर रहे हैं इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा लार्ज एंगल हमें मिल रहा हो तो डेफिनेटली यहाँ वी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वी की वैल्यू के नेगेटिव होने के कारण और ओमेगा की वैल्यू के नेगेटिव होने के कारण ओवरऑल ई वाई नेगेटिव हो जाएगा और ई वाई नेगेटिव हो जाने के कारण रिएक्शन में कोई भी पार्टिकल इमिट नहीं होगा। तो ये तो था हमारा क्यू वैल्यू इक्वेशन का को जनरलाइज फॉर्म में हमने ऐसे लिखा है वेयर वी इज दिस एंड ओमेगा इज दिस। और वहां पर हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि ई वाई पॉजिटिव होगा तो क्या और नेगेटिव होगा तो क्या। अब इसके आगे चूंकि हम क्यू वैल्यू को पढ़ रहे हैं तो इसके नेगेटिव होने पर हमने थोड़ा सा भी देखा था
एम वाई माइनस एम एक्स नेगेटिव होगा तो भी ओमेगा नेगेटिव हो सकता है, और कॉस थीटा अगर ऑब्जर्वेशन एंगल ज्यादा है, लार्ज एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो वी भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो हमने देखी, बट हम ज्यादा जोर दे रहे हैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू पर। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, और क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्यू दो तरीके के केसेस हम कंसिडर करेंगे, व्हेन क्यू इज पॉजिटिव एंड क्यू इज नेगेटिव। पॉजिटिव केस में भी दो तरीके के अलग अलग केसेस, एंड नेगेटिव केस में भी दो अलग अलग तरीके के केसेस जो कि सेम ही है। तो सबसे पहले सोल्यूशन फॉर एक्सो एनर्जिक रिएक्शन। हमने कल ही देखा कि अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्सो एनर्जिक रिएक्शन की कैटेगरी में उसे रखा जाएगा, और Q की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो उसे एंडो एनर्जिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होगी, और Q की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि सोल्यूशन फॉर एक्सो एनर्जिक रिएक्शन। A reaction in which the Q value is positive is called as exo-energic reaction. इसके लिए हमने क्या चीज कंसिडर की है यहाँ पर कि let Ex equal to zero, Ex is the kinetic energy of projectile particle. अगर Ex की value बहुत कम है, यहाँ हम actual में पढ़ क्या रहे हैं कि Q की value positive कब होगी या कैसे हो सकती है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम कहेंगे कि ये एक्सो एनर्जिक रिएक्शन होगी, और उसी के सोल्यूशन की हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव होना इस रूट ई वाई से रिलेटेड होगा, क्योंकि रूट ई वाई इसका जनरल सोल्यूशन है। रूट ई वाई पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, उसका सीधा साधा अफेक्ट इस क्यू की वैल्यू पर पड़ता है, क्योंकि रूट ई वाई के टर्म में जो हमने ऊपर इक्वेशन लिख रखी है, इट इज नथिंग बट इट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ क्यू वैल्यू इक्वेशन। तो रूट ई वाई का पॉजिटिव नेगेटिव होना ये सीधा रिलेट होता है हमारी क्यू की वैल्यू से, वैल्यू के पॉजिटिव नेगेटिव होने से। तो सबसे पहले यही चीज हम यहाँ पर रिलेट करके देख रहे हैं कि रूट ई वाई अगर पॉजिटिव आता है तो क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव आ सकती है, और रूट ई वाई अगर नेगेटिव आता है तो क्यू की वैल्यू भी डेफिनेटली नेगेटिव होगी। तो अगर एक्सो एनर्जिक रिएक्शन है दैट मीन्स क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं रूट ई वाई की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए एक्सो एनर्जिक रिएक्शन के लिए। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर एक केस कंसिडर किया है कि लेट ई एक्स इक्वल टू जीरो फॉर वेरी लो एनर्जी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने कंसिडर किया है थर्मल न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उनकी जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम ई एक्स की वैल्यू को जीरो कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, ओमेगा हमें मिलेगा एम वाई क्यू अपॉन एम वाई प्लस एम एक्स, जबकि v की वैल्यू इस ई एक्स के मल्टीपल के कारण पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो इस कारण से हमें रूट ई वाई, जब हम इन दोनों वैल्यूज को ई एक्स की वैल्यू को जीरो सब्सटीट्यूट करने के बाद में जो हमें ओमेगा की और v की वैल्यू मिलेगी, इन दोनों वैल्यूज को जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तब हमें जो रूट ई वाई की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ये। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि रूट ई वाई की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि हमें एक्सो एनर्जिक रिएक्शन का सोल्यूशन लेना है, इस वजह से तो रूट ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ये आ रही है, हमने यहाँ पर कंसिडर किया है सिर्फ प्लस साइन। तो ई वाई सेम फॉर ऑल एंगल्स, सारे के सारे एंगल के लिए ई वाई की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हमें मिल रही है ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी डेफिनेटली क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और क्यू की वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है दैट द रिएक्शन इज एक्सो एनर्जिक। तो ये तो था हमारा केस फर्स्ट का, केस ए का फर्स्ट पार्ट, एंड ये है हमारा सेकेंड पार्ट। कुछ इसी तरीके के केसेस हम दूसरे केस में भी कंसिडर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखें इसे। फॉर फाइनाइट एनर्जी प्रोजेक्टाइल, पहले हमने क्या कंसिडर किया था फर्स्ट केस के ए पार्ट में, या ए केस के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कंसिडर किया था कि पहले तो हमने कंसिडर किया कि ई एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पूरा का पूरा हमने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी को जीरो कंसिडर कर लिया था। बट अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी है, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी ये रखता है। अगर ये कुछ ना कुछ एनर्जी रखेगा तो अगर इस वाली टर्म को हम देखते हैं वी और ओमेगा वाली टर्म को,
पहले इसके पूरे जीरो होने के कारण ये पूरी की पूरी टर्म जा रही थी, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ द सिचुएशन इज फंडामेंटली डिफरेंट। पहले ये पूरा का पूरा जा रहा था, बट अब ये पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा। हमें ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ई एक्स की फाइनाइट वैल्यू के कारण। सिमिलरली अगर मैं वी की वैल्यू की बात करूं, तो वी पहले इस ई एक्स के मल्टीपल के कारण जो कि जीरो था, पूरा का पूरा जीरो हो रहा था, लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ई एक्स जीरो नहीं है, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रखता है। इसकी फाइनाइट वैल्यू के कारण वी भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वी की वैल्यू भी मिल रही है एंड ओमेगा की वैल्यू भी मिल रही है। अब ये पूरा का पूरा जीरो नहीं हो रहा है, और इसी रीजन से एक इस चीज को भी अगर हम देखें कि एम एक्स इज वेरी 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 लेस देन एम वाई, अगर ये बहुत कम हो जाता है, एक ये केस भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ये पीछे देख सकते हैं हम, फॉर द रिएक्शन इन एम एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एम वाई, अगर ये चीज होती है तो डेफिनेटली ओमेगा की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी यहाँ पर देख सकते हैं इस टर्म के भी कारण पूरी की पूरी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। नेगेटिव होने के चांसेस सिर्फ यहां से आ सकते हैं क्योंकि एक टर्म यहाँ पर नेगेटिव है। तो हमने क्या कहा कि वो नेगेटिव वाला जो केस था उसको भी हमने पूरा का पूरा अवॉइड कर दिया। कैसे अवॉइड किया कि लेट अस कंसीडर कि एम वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम एक्स, और वी कैन से एम एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एम वाई। अगर हम ये चीज कंसिडर करते हैं तो जो नेगेटिव पैरामीटर इस चीज को नेगेटिव कर रहा था वो चीज भी पूरी की पूरी पीछे जा चुकी है, एंड हमें इस कारण से पूरा का पूरा इसका जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। अगर ये चीज हमें ग्रेटर देन जीरो मिलती है तो डेफिनेटली ये वाली चीज भी हमें जीरो से बड़ी ही मिलेगी, और जीरो से बड़ी होने का मतलब रूट ई वाई का पॉजिटिव होना, और रूट ई वाई का पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारी क्यू वैल्यू का पॉजिटिव होना, और क्यू वैल्यू का पॉजिटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है, द रिएक्शन इज एक्सो एनर्जिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो एक बार देखते हैं इसे, फॉर द रिएक्शन इन एम एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एम वाई, सो ओमेगा इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ई एक्स, ई वाई इज सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड इट इज गिवन बाय दिस, रूट ई वाई की वैल्यू अगेन हमें पॉजिटिव ही मिल रही है। अब हम देखते हैं केस नंबर टू, विच इज एंडो एनर्जिक रिएक्शन। एंडो एनर्जिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं जिसमें क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया, अ रिएक्शन इन विच क्यू इज नेगेटिव इज कॉल्ड एज एन एंडो एनर्जिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अंदर भी हम वही दोनों केसेस कंसिडर कर रहे हैं, केस नंबर वन कि ई एक्स की वैल्यू को हम जीरो कंसिडर करें, एंड केस नंबर टू कि ई एक्स की वैल्यू को कुछ फाइनाइट वैल्यू हम लेकर के कंसिडर करें। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेट ई एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो फॉर वेरी लो एनर्जीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। अगर ई एक्स की वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसिडर किया है, लगभग जीरो के करीब हमने कंसिडर किया है, इसकी वैल्यू को हमने लगभग जीरो के करीब कंसिडर किया है, तो इस केस में v स्क्वायर प्लस ओमेगा वाली टर्म हमारी डेफिनेटली जीरो से कम होगी ही होगी, क्योंकि हम इसको जीरो के अप्रोक्सीमेटली अगर कंसिडर करते हैं तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा वाली टर्म आपकी जीरो से छोटी हो जाएगी, और इस ये जीरो से छोटा हो जाना दैट मीन्स नेगेटिव हो जाना, और इसके नेगेटिव हो जाने के कारण रूट ई वाई भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और इसका नेगेटिव होना क्यू की वैल्यू को नेगेटिव होना बताता है, दर्शाता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वाला केस कि v स्क्वायर प्लस ओमेगा इज लेस देन जीरो, सो रूट ई वाई इज इमेजिनरी, इम्प्लाइज दैट देयर विल बी नो न्यूक्लियर रिएक्शन। अब पार्ट टू देखो इसका, थ्रेसोल्ड एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। थ्रेसोल्ड एनर्जी हम किसे कहते हैं, वह कम से कम ऊर्जा या पर्याप्त ऊर्जा, कुल मिला के थ्रेसोल्ड वर्ड हम मिनिमम वर्ड के तौर पर यूज करते हैं, थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेसोल्ड एनर्जी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर रिएक्शन एंडो एनर्जिक रिएक्शन होने के लिए हमारे लिए उस थ्रेसोल्ड एनर्जी की वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है जिसके लिए रिएक्शन पॉसिबल हो सके। तो हम उस थ्रेसोल्ड एनर्जी को ही जानने में इंटरेस्टेड हैं जिसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो सके या नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न हो सके। सो एज इन द एंडो एनर्जिक रिएक्शन क्यू इज नेगेटिव, सो इन ऑर्डर दैट द न्यूक्लियर रिएक्शन मे टेक्स प्लेस द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मस्ट हैव सफिशियंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट वैल्यू ऑफ ई एक्स फॉर विच द न्यूक्लियर रिएक्शन इज पॉसिबल।
इन दिस केस वी स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, हमने ये दोनों केसेस कंसिडर कर लिए हैं यहाँ पर। अब वी स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाने के कारण यहाँ पर वी की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया, ओमेगा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, इक्वल टू जीरो किया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ई एक्स की वैल्यू को इसको सॉल्व करने के बाद में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें ये वैल्यू, और ये वैल्यू जो है ये है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, कि ये वो मिनिमम ऊर्जा है या यह वह पर्याप्त ऊर्जा है जिसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। और इसे हमने आगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही है हमारी ये, इट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। थैंक यू सो मच।